बाप गुप्त हो जाएगा तो बच्चों का कर्तव्य क्या होगा? बाप गुप्त हो गए तो अयोध्या वासी क्या राम को भूल गए? हैं? नहीं भूले। कृष्ण द्वारिका चले गए तो क्या गोप गोपियां कृष्ण को भूल गए? शिव शंकर भोलानाथ के जो फॉलो करने वाले हैं शैव संप्रदाय, वो जन्म जन्मांतर है एक लिंग स्वामी को मानते रहे कि दो चार लिंगों की पूजा की? किसको मानते रहे? कौन से एक लिंग है जो भगवान था? ऐसे ही जिनका विश्वास पक्का होगा, जिन्होंने ज्ञान को पक्का उठाया होगा, चाहे दूर रहो चाहे पास रहो नजरों में समाए रहते हो, ये सच्चे प्रेमियों का गायन है या झूठों का गायन है? हैं? प्रश्न किसको पैदा होगा? बाप तो गुप्त हो जाएगा। हैं? ये कौन प्रश्न उठाएगा? हैं? अरे विश्वास नहीं है तो ये प्रश्न पैदा होता है। विश्वासम फलदायकम, निश्चय पक्का है, विश्वास दृढ़ है तो प्रेमी कहां भी चला जाए, इस जन्म में मिले या न मिले तो भी अंतमते सोगते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है या किसी जन्म में कायम है किसी जन्म में कायम नहीं है? सदा कायम है। और अविनाशी ज्ञान दिया है या विनाशी ज्ञान दिया है? तो अविनाशी ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठा है उनकी याद भी अविनाशी होगी या चला गया तो विनाश हो जाएगी? अविनाशी याद होगी। ये प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता सूर्यवंशी बच्चों को कि बाप गुप्त हो जाएंगे हम क्या करेंगे। मैंने अभी से ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया।